सरहद पर सेना की तैनाती बढ़ाने की तैयारी। आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे भारत के जवान। दोस्तों, एलएसी पर भारतीय सेना ने एक बार फिर से चीन की गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। गलवान में भारत ने चीन के गुरूर की गर्दन तोड़ी और अब पेंगोंग में चीन की कमर तोड़ने का काम भारतीय सेना ने किया है। दूसरी बार चोट खा चुका चीन अब किसी बड़ी प्लानिंग को अंजाम दे सकता है और शायद इसी वजह से भारतीय सेना मुस्तैदी से इलाके में नजर बनाए हुए है। सर्दी से पहले भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चौकसी का स्तर कई गुना बढ़ाने की तैयारी कर चुकी है। इसके लिए सेना को बेहतर उपकरणों और निगरानी तंत्र से लैस किया जा रहा है। विपरीत परिस्थितियों और दुर्गम क्षेत्र में सेना हर तरह से चौकसी बढ़ा रही है। दिन हो या फिर रात, जमीन से लेकर आसमान तक के हर समय ड्रैगन की हर हरकत पर सेना की पैनी नजर रहेगी। इसी रणनीति को जमीन पर पूरी तरह से उतारने के लिए फायर एंड फ्यूरी कोर को अत्याधुनिक यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, एनवीडी यानी नाइट विजन डिवाइसेस और एटीवी यानी ऑल टेरेन व्हीकल उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आसमान से एलएसी पर दुश्मन पर निगाह बनाने के लिए अत्याधुनिक मानव रहित टोही विमान से चीन की हर हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। इसके अलावा एलएसी पर दुर्गम इलाकों में गश्त करने के लिए एटीवी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिससे पहाड़ी इलाकों में जहां सेना के वाहन नहीं जा सकते हैं उन इलाकों में जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। सैन्य अधिकारियों ने बताया है कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कई जगह सड़कें नहीं हैं। इन इलाकों में एटीवी ही मुफीद हैं। इससे जवानों का मनोबल बढ़ता है और दुश्मन पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। एलएसी पर कुछ इलाकों में सेना का सड़क तंत्र बेहतर है। एटीवी के साथ ही नए नाइट विजन डिवाइसेस से भारतीय सेना रात में भी चीनी सैनिकों की हर हरकत को भांप लेगी। सैन्य अधिकारियों की माने तो फायर एंड फ्यूरी कोर ने उत्तरी कमान को जल्द से जल्द अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक निगरानी उपकरणों, थर्मल इमेजर्स और सेंसर समेत हर मौसम में काम करने वाले स्वचालित निगरानी कैमरों और 8 यूएवी उपलब्ध कराने के लिए कहा है, ताकि चीनी सेना की गतिविधियों की सटीक निगरानी की जा सके। पेंगोंग झील में उतरेगी फास्ट इंटरसेप्टर मोटरबोट। पेंगोंग झील का दक्षिणी इलाका भारत के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां सेना का कब्जा है। हमेशा से यहां भारतीय सेना की मौजूदगी ज्यादा रही है, जबकि झील के उत्तरी क्षेत्र में भारतीय सैनिक सिर्फ पेट्रोलिंग करते हैं। यही वजह है कि चीन मौजूदा बातचीत में भी यहां से भारतीय सैनिकों को हटाने की डिमांड रख रहा है, और इसलिए भारतीय सेना अब पेंगोंग लेक में गश्त को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए फास्ट इंटरसेप्टर मोटरबोट उतारने जा रही है। ये एक खास तरह की बोट होती है जिसकी रफ्तार का कोई सानी नहीं होता। साथ ही किसी भी घटना की खबर मिलते ही ये बोट तेजी से उस तरफ बढ़ती जाती है। 1962 के युद्ध के दौरान चीन ने पेंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया था और भारत को शिकस्त झेलनी पड़ी थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है। भारत ने पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में उन जगहों पर खुद को स्थापित कर लिया है, जहां से जरूरत पड़ने पर चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। दरअसल चुसुल सेक्टर एक ऐसा इलाका है जिसका इस्तेमाल अटैक करने के लिए लॉन्च पैड के रूप में किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ काफी जगह समतल है जो सैन्य गतिविधियों के लिए मुफीद मानी जाती है। चीनी टैंकों को खाक करेगी स्पाइक मिसाइल। दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में मुंह की खाने के बाद अब चीन किसी भी वारदात को अंजाम दे सकता है, और इसी वजह से ही भारत 50 इजरायली टैंक रोधी मिसाइल लॉन्चर भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर में सेना को मुहैया करवा रहा है। इन स्पाइक मिसाइलों को टैंकों का काल कहा जाता है। स्पाइक मिसाइलों को दागो और भूल जाओ मिसाइल के तौर पर भी जाना जाता है। ये पूरी तरह से पोर्टेबल हैं और शक्तिशाली इतनी कि टैंक को खाक कर सकती हैं। बड़ी बात तो यह है कि 4 किलोमीटर के दायरे में ये बंकर को तबाह कर सकती हैं। पूर्वी लद्दाख के पास चीन ने अपने T-15 टैंक्स को तैनात किया हुआ है। चीन को अपने इन छोटू टैंकों पर बड़ा गुमान है, लेकिन चीन के इसी गुमान को तोड़ने के लिए
भारत यहां पर स्पाइक मिसाइल लॉन्चर डिप्लॉय कर रहा है। इजराइल में बनी स्पाइक चौथी पीढ़ी की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। इसकी खासियत यह है कि मिसाइल लॉन्च होने से पहले ही लक्ष्य तय कर लेती है, साथ ही अंतिम वक्त में अपना टारगेट अपडेट भी कर सकती है। पूर्वी लद्दाख में ऑपरेशनल मोड में 40,000 जवान। पूर्वी लद्दाख में मई महीने से ही भारत और चीन में सैन्य गतिरोध बना हुआ है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवान अक्सर घुसपैठ कर भारतीय इलाकों में अतिक्रमण करने की कोशिश करते हैं। इस समय भारतीय सेना ने दौलतबेग ओल्डी, गलवान घाटी, पेंगोंग झील और चुसुल सेक्टर में करीब 40,000 जवान और सैन्य अधिकारी ऑपरेशनल मोड में रखे हुए हैं। ये तैनाती फायर एंड फ्यूरी कोर के जवानों और अधिकारियों के अलावा है। ये कोर लद्दाख में सरहदी इलाकों की जिम्मेदारी संभालती है। इन जवानों की तैनाती से अब चीन की किसी भी हरकत का फौरन जवाब दिया जा सकेगा।